दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि आपके फूड बिजनेस को लगने वाले गैस की 50% तक बचत करेगा। जी हाँ दोस्तों, 50% गैस की बचत यानी 50% ज़्यादा मुनाफा। तो ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे इससे गैस की बचत होती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने कई सारी जगह जैसे स्नैक सेंटर, रेडिया, केटरिंग आदि में स्नैक्स जैसे समोसा, वड़ा पाव, कचौरी, मंचूरियन, नमकीन फ्राई होते हुए देखा ही है, जहाँ पर भारी मात्रा में कमर्शियल और घरेलू गैस की खपत देखने को मिलती है और कई जगह पर तो रोजाना दो दो तीन तीन सिलेंडर खाली हो जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो आधे से ज्यादा खर्चा तो गैस पर ही चला जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिमा इंजीनियरिंग कंपनी ने ये एनर्जी एफिशिएंट फाइन फ्राइंग गैस स्टोव का इन्वेंशन किया है, जो कि गैस की बचत तो करता ही है, साथ ही साथ घंटों बैठकर फ्राई करते समय लगने वाली हीट को भी कम करता है। दोस्तों, ये देखने में ऑर्डिनरी गैस के जैसे ही दिखता है, बावजूद इसके ये 50% गैस की बचत भी करता है। इसमें सिर्फ दो चीजें रहती है, ऊपर की कढ़ाई और नीचे का बेस। बाकी स्टैंड तो आप अपना पुराना भी यूज कर सकते हैं। अभी ये जो बेस है, इसे फ्लेम गाइडर कहा जाता है, जो कि रिमूवेबल होता है और जिसे आसानी से उठाया जा सकता है। गाइडर अंदर की गर्म हवा को अंदर ही वापस भेजता है, जिससे ऊपर रखी कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाती है। और इसका शेप कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे बाहर की हवा अंदर नहीं आती। बात करें इसमें लगने वाली कढ़ाई की, तो इसे भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें नीचे फैन के शेप में मल्टीपल प्लेट्स दिए गए हैं, जिससे नीचे से निकली हीट को कढ़ाई के एरिया में ही जकड़ लिया जाता है, जिससे कढ़ाई काफी समय तक गर्म रहती है। आमतौर पर कढ़ाई में फ्राई करते टाइम हाई फ्लेम में गैस लगाना पड़ता है, जिससे कि कढ़ाई गर्म हो जाए, लेकिन उस केस में ज्यादातर फ्लेम बाहर की ओर आती है और जो कि न चाहते हुए भी बर्बाद हो जाती है, जिससे ज्यादा गैस खर्च होता है। लेकिन इस वाली कढ़ाई में फ्लेम अंदर ही रहती है और कढ़ाई जल्दी गर्म होती है और लंबे समय तक गर्म रहती है, जिससे गैस की खपत आधी हो जाती है। दोस्तों, ये सेटअप 12 इंच से लेकर 36 इंच तक साइज में अवेलेबल है और अगर इसमें ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी हो तो भी ये कस्टमाइज करके दिया जाता है। आप कढ़ाई का यूज करके समोसा, वड़ा पाव, कचौरी, मेंदू वड़ा, मंचूरियन, चिकन 65, पकोड़े, चिप्स और कई सारे नमकीन आइटम फ्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ खाली बेस का इस्तेमाल करके भी आप बाकी के भी आइटम पका सकते हैं, जैसे बिरयानी, इडली, मोमोज, पोटैटो, राइस आदि। तो इस तरह से आप इसका मल्टीपर्पज भी यूज कर सकते हैं। गाइडर और कढ़ाई मिलकर 50% और सिर्फ गाइडर बेस से 30% तक की गैस की बचत होती है। दोस्तों, बात करें इस राउंडेड फ्लेम गाइडर की, तो ये गाइडर सिरेमिक ब्लैंकेट और फायर सीमेंट से बनाया गया है, जो कि भट्टी में यूज किया जाता है और ये सीमेंट काफी अच्छा और मजबूत रहता है। दोस्तों, काफी सारे लोगों ने इस गैस का इस्तेमाल किया है और अपने गैस की बचत की है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये पूरा सेट ही लेना होगा। अगर आपकी पहले से ही गैस सिगड़ी या फिर स्मार्ट किचन है तो भी उस पे ये आसानी से फिट हो जाएगा। आपको बस सिगड़ी का साइज देना होगा, जिससे कि कंपनी कस्टमाइज्ड स्टोव बना पाएगी। ऑप्टिमाइज इंजीनियरिंग कंपनी ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट सेल करती है, तो आपको बस ऑर्डर करना होगा और एक लोकल वेंडर की मदद से इसे फिट करना होगा। बाकी वीडियो कॉल थ्रू आपको पूरी सहायता मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो एक पेड प्रमोशन है, फिर भी हमने मार्केट में जाके इस प्रोडक्ट का फीडबैक लिया है, ताकि आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और इसका फीडबैक भी हमें अच्छा मिला है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कनन यादव, तमिलनाडु का है। आप तमिलनाडु से हो? ओके। तो ये सिगड़ी आप कब से यूज कर रहे हैं? मेरा 4-5 महीना हो गया से लेके आया था। ओके, तो अभी आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है क्या? ये बहुत फायदा हो रहा है, आधा का बचत हो रहा है। पहला कितना लगता था आपको सिलेंडर? 5 दिन में एक सिलेंडर लगता था। ओके, अभी 9 दिन में एक सिलेंडर लगा। मतलब 50% सेव हो रहा है? 50% पक्का। ओके, आप क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं इधर? इसमें मैं इडली वड़ा यही बनाता हूँ। ओके, तो इडली भी स्टीम कर सकते हैं इसमें? हाँ,
तो मतलब आप 100% सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट से? ओके, थैंक यू सर। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना हो तो एक बार ज़रूर कॉल कीजिए। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आए, और अगर ऐसा है तो आप हमारे इस समोसा मेकिंग मशीन और रोटी मेकिंग मशीन का वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।